और भी बहुत कुछ इस वीडियो के अंदर, जिसमें मैं सबसे पहले बात करना चाहूंगा आज ही के इवेंट की, जो कि आता है प्रभास के बर्थडे के साथ में, जिसके तहत उनकी अपकमिंग मूवी सलार का एक नया पोस्टर जारी करा गया है जो कि अभी तुम स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो। जो टू बी रियली फ्रैंक मेरे को उतना भी कुछ खास नहीं लगा, क्योंकि देखा जाए तो ये चारों के चारों सिंगल्स हम लोग ऑलरेडी ही देख चुके हैं। बट ऑन दी अदर हैंड हमें ये चीज भी नहीं भूलनी चाहिए कि जैसी ये मूवी है इसे आई थिंक पोस्टर या प्रमोशन की कुछ खास जरूरत भी नहीं है। एंड अगर सलार की बात हो ही गई है तो बात कर लेते हैं इसके राइवल डंकी के बारे में। तो शाहरुख खान की इस मूवी का भी एक नया पोस्टर जारी करा गया है जो कि अभी तुम स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो। ऑल्सो ये चीज भी बाहर आ चुकी है कि अब ये मूवी ऑफिशियली प्रीपोन कर दी गई है एंड अब ये 21st of December 2023 को रिलीज होगी, यानी कि सलार के रिलीज से एक दिन पहले। अब क्योंकि शाहरुख खान की अपकमिंग मूवी की बात कर लिया तो एक प्रीवियस वाले के बारे में भी इन्फॉर्मेशन दे देना चाहता हूँ, क्योंकि लास्ट रिलीज मूवी जवान जो है वो 2nd of December 2023 को OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स के ऊपर रिलीज हो जाएगी विद सम एक्स्ट्रा सीन्स। जिसके बाद अगर तुम्हें याद हो तो लास्ट वीक की न्यूज के अंदर मैंने कवर करा था सिंगम अगेन के कुछ स्टिल्स को, जिसके अंदर हमें दीपिका पादुकोण देखने को मिल रही थी। तो उन्होंने कुछ नए सिंगल्स जारी करे हैं टाइगर श्रॉफ के, जो ऑनेस्टली मेरे को उतने ज्यादा कुछ खास नहीं लगे क्योंकि एक्चुअली में उनमें कुछ यूनिक था ही नहीं। एंड अब क्योंकि टाइगर श्रॉफ के बारे में बात हो ही गई है तो बात कर लेते हैं उनकी लेटेस्ट रिलीज मूवी गणपत के बारे में, जिनकी मूवी के साथ ही साथ में थालापति विजय की लियो एंड मास महाराजा रवि तेजा की टाइगर नागेश्वर राव भी रिलीज हुई है, जिन तीनों के कलेक्शन अभी तुम स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो। एंड बाय द वे इन तीनों ही रिस्पेक्टिव मूवीज के तुम्हें रिव्यू मेरे चैनल के ऊपर देखने को मिल जाएंगे, ऊपर क्लिक करके देख सकते हो बाय द वे। जिसके बाद बात कर लेते हैं रोहित शेट्टी कॉप यूनिवर्स की आने वाली एक वेब सीरीज के बारे में, जिसका नाम है इंडियन पुलिस फोर्स, जिसमें हमें सिद्धार्थ मल्होत्रा एंड शिल्पा शेट्टी दोनों देखने को मिलने वाले हैं। तो अब इस वेब सीरीज को अपनी ऑफिशियल रिलीज डेट मिल चुकी है एंड अब ये 19th of January 2024 को रिलीज होगी। ऑल्सो इस हफ्ते की आखिरी न्यूज भी सुन लो, जो कि आती है टाइगर 3 से। तो इसका एक नया गाना रिलीज हुआ है जिसका नाम है लेके प्रभु का नाम, एंड ये बात एक्चुअली में इतनी ज्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन इसकी हाइप तब ज्यादा हो जाती है जब हमें सुनने को मिलता है कि एक्चुअली में इसे अरिजीत सिंह ने गाया है, विच इज अ बिग डील, लाइक दोनों भाई मिल चुके हैं। एंड हाँ, आई थिंक यही था इस हफ्ते का न्यूज सेगमेंट, एंड अगर मैंने कोई चीज मिस कर दिया तो ऑफ कोर्स तुम कमेंट करके जरूर बताना। ऑल्सो ये भी बताना कि इनमें से कौन सी न्यूज तुम्हें सबसे ज्यादा कैटर करी। एंड या टिल देन बाय।